नवरंग क्रीड़ा मंडल शहाड़ की ओर से नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए गणेशोत्सव के दरमियान पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करने की अपील की गई और पेड़ बचाओ देश बचाओ दुनिया बचाओ का संदेश देने वाली झांकी सजाई है और रेड लाइन इलाके में भराव कर अवैध रूप से घर बनाते वहाँ लोग घर नहीं ले बल्कि ग्रीन जोन में घर ले ऐसा भी संदेश इस झांकी में दर्शाया गया है। जो डैम जब पानी छोड़ा जाता है डैम का पानी जो सराउंडिंग ग्राउंड में आ जाता है या ओपन जगह पे आ जाता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ऐसा ये करना चाहिए कि कलेक्टर ने या गवर्नमेंट ने कि वहाँ पे रेड लाइन एरिया रखना चाहिए। वहाँ पे जो बिल्डर लॉबी घर बनाती है खड्डे बिड्डे भर के तो वहाँ पे उन लोगों ने वो रेड लाइन एरिया देख के नहीं लेना चाहिए और वो बिल्डर लॉबी तो अपना काम करेगी या जो चाली बनाने वाले तो अपने काम करेंगे उनको दो पैसा चाहिए काम के वजह से, पर लेने वाले ने सोचना चाहिए कि भाई ये वहाँ घर लेना है या नहीं लेना है ये थोड़ी जानकारी लेके उन्होंने घर ले क्योंकि वो घर लेने के टाइम वो अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगाते हैं और वो पूंजी उनकी ख़राब ना हो ना वो बेघर हो ना उसके लिए कुछ उनका नुकसान नहीं हो। तो इस पर का किस तरह का दिखा अभी हम लोग ने ये सब दिखा दिया है कि ये रेड लाइन एरिया में कैसे उन लोग रेड लाइन एरिया में कैसे उन लोग घर बनाते हैं खड्डे कैसे भर के उन लोग अपने घर बना रहे कम पैसे में और वो जगह उनकी खुद की रहे या नहीं रहे वो गुरुचरण भी बना रहे गुरुचरण रहेगा या गौठान जगह रहेंगे उसके अंदर भी कई लोग घर बनाते हैं और वो लोगों को बेच डालते हैं तो लेने वाले ने उन लोगों को सोचना चाहिए कि वो लेना या नहीं लेना है।